जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शीतला अष्टमी पर चर्चा करेंगे। शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, इसके व्रत में हम क्या खाते हैं, किस प्रकार व्रत किया जाता है, हम इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। होली से 8 दिन बाद शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। शीतला अष्टमी को बांसुड़े के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बच्चों की सलामती के लिए और घर परिवार में सुख शांति के लिए रखा जाता है और बच्चों को खसरे, मोटी माता, पतली माता, चेचक आदि बीमारियों के बचाव के लिए यह व्रत रखा जाता है। शीतला अष्टमी के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करें और मंगला आरती जरूर करें। इस व्रत में हम मीठा खाते और माता को भी मीठे का ही भोग लगाते हैं। शीतला अष्टमी से एक दिन पहले शीतला सप्तमी को हमें खाना रात को बना के रखना होता है। अगले दिन हमें उसी खाने से अपना व्रत खोलना है और माता को भोग लगाना है। इस व्रत में बासी और शीतल खाना खाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन व्रत का समय सुबह 6 बजे से शाम 6:40 तक रहेगा। शीतला अष्टमी की व्रत कथा। एक दिन माँ एक गांव में घूमने गई यह देखने के लिए कि कौन मुझे मानता है, मेरी पूजा करता है। माता गांव में पहुंची, माता ने देखा कि सभी अपना सुबह नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहनकर माता की पूजा कर रही हैं। माता के भोग के लिए सभी ने अलग अलग पकवान बनाए थे। किसी ने हलवा, लापसी, पूड़े, गुलगुले भोग बनाकर तैयार किया था। माता सभी के घर गई, सभी ने माता को गरम गरम खाना खिलाया। गरम गरम खाना खाने के कारण माता के शरीर में तपन होने लगी। माता को सभी अंग में जलन और तपन महसूस होने लगी। ऐसी माता एक कुम्हार के पास पहुंच गई और कुम्हार से बोली कि बेटा, मेरे पूरे शरीर में तपन हो रही है, तुम कुछ करो जिससे मेरी ये अग्नि खत्म हो जाए। तो कुम्हार ने माता को मिट्टी और हल्दी का लेप लगा दिया और कहा, माता कुछ समय बाद आपकी तपन कम हो जाएगी। और कुछ समय बाद माता के अंगों की तपन खत्म हो गई। माता कुम्हार से बहुत प्रसन्न हुई और कुम्हार को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और कभी भी तुम्हारे घर में अन्न भंडार की कमी नहीं होगी, हमेशा तेरा घर अन्न भंडार से भरा रहेगा। जैसे माता शीतला ने कुम्हार पर दया करी है, वैसे ही जो भी इस कहानी को सुन रहा है, हुंकार भर रहा है, उन पर भी ऐसी अपना कृपा बनाए रखे। जय हो शीतला माता की।